इसकी शुरुआत एक तीर्थ यात्रा की तरह हुई। मेरे वालिद साहब हुसैन बानेदार 1929 में कोल्हापुर से केशवराव दायवर प्रभात के पार्टनर इनके साथ पुणे आए। मैं 15 बरस का था और मेरी बीवी 3 साल से छोटी। उस वक्त मुझे काम की सख्त ज़रूरत थी। मेरे वालिद साहब ने मुझे प्रभात बुलाया। एक दफ़ा मैंने पूछा, अब्बा मैं यहाँ क्या काम कर सकता हूँ? उन्होंने बोला, जो दिखाई दिए, जो करना पड़े, तुम्हें जो लगे वो कर सकते हो। पच्चीस वर्ष सचमुच ऐसा लंबा समय है। ये वक्त कोई भी छवि में ढल सकता है। यदि एक चेहरा ढुंढने लगे, दूसरा मुस्कुराहट के लिए सामने आ जाता है। इन दृश्यों में खालीपन का एहसास है। यहाँ पे अंतहीन विदाइयाँ हो चुकी है, हो रही है, होते रहेगी। एक्सेस के बाहर में सब कुछ बाहर के गया, सिर्फ एक फोटो बचा, वो मेरे पिताजी का, नारायण हरि गायकवाड़। वे बाल गंधर्व नाटक कंपनी में धोबी थे। सन 1932 में बाल गंधर्व ने उन्हें विष्णुपंत दामले के पास भेजा, जो हाल ही में पुणे आए थे प्रभात नगरी बसाने का सपना लिए। मेरा जन्म 1935 में प्रभात में हुआ। उन दिनों यहाँ संत तुकाराम फिल्म की शूटिंग चल रही थी, इसीलिए शांताराम जी ने मेरा नाम तुकाराम रखा। तुमची आठवण आली तर आम्ही येणार, सगळे आले असं वाटतं। पहिले दिवस आठवत होता, बरेच जुन्या आठवणी आम्हाला त्यावेळेच ठेवून दिले, ते माझ्या भूत म्हणून ठेवून दिले।
आता हे इंदिरा गांधी आली होती तेव्हा नभोवणी मंत्री होते ना हा नभोवणी होते आणि हे जे आहे हे मी होतो कॅन्टीनचं आपलं पत्र होतं माझे फोटो निघाला आहे इन्स्टिट्यूटचीच पहिली गाडी एक स्टार्टची नवी गाडी ती गाडी त्याच गाडीवरती सगळी डिप्लोमा आहे नवीन भरती बरं का अरे अरे तन्हाई में गुजरते हैं दर्द ये दिल ये नाचीज इंसान जिनकी रोशनी उसकी मुस्कान में थी। बीते हुए दिनों की तरह ऐसी बारिश होती रहेगी और मैं कुछ भी साफ साफ नहीं देख सकूंगा सिवाय भविष्य के उन सपनों के जो फिर से दोहराए जाएंगे। आवाजें फिर से सुनी आज। शांत हो, वो हवाई है जो गा रही है।